आज हम ऐसे एक फोल्डिंग ट्रैवल बैग बनाएंगे। ऐसे एक एक साइड में पॉकेट्स हैं, यहाँ से हम ओपन करेंगे। तो इतनी बड़ी बैग होगी। इतनी बड़ी अंदर की साइड में स्पेस है और यहाँ पर एक साइड में पॉकेट है। और ये फ्रंट साइड में एक जिप का पॉकेट है और एक ऐसे एक सिंपल पॉकेट है। और ये साइड में दो पॉकेट्स हैं, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। और ये बेल्ट हम यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं। इस तरह से पहले हम दोनों साइड के पॉकेट्स बनाएंगे। इसके लिए 9 इंच बाय 9.5 इंच के दो फैब्रिक के पीसेस हैं और 5 लाइनिंग के पीसेस, 1, 2, 3, 4 और 5। इसकी हाइट है 9.5 इंच और इसकी विड्थ है 9 इंच। इसमें से हम एक पीस हम लेंगे और उसके ऊपर ये 9.5 इंच की साइड है, 9.5 इंच की हमें ऊपर से 2 इंच मार्क करना है, 2 इंच मार्क करना है। और इसमें से हम एक लाइनिंग लेंगे और ये 7 लाइनिंग के साथ साथ ही हमें ये फैब्रिक कटिंग करना है। इसे हमने कटिंग किया। इसके बाद हम ये 9 इंच के 3 जिपर्स लिए हैं, उसमें से हम एक लेंगे, यहाँ पर हमें जोड़ना है। और इसके बैक साइड में ये लाइनिंग का पीस, ऐसे हम सिलाई करेंगे। ये सिलाई होने के बाद हम इसे अंदर की साइड में टर्न करेंगे और यहाँ पर हमें टॉप स्टिच करना है और ये साइड हम यहाँ तक जोड़ेंगे। इसे हमने टॉप स्टिच किया और ये हमने अस्तर और फैब्रिक जॉइन किया। इसके बाद हम ये ऊपर का कटिंग किया हुआ पार्ट हम इस तरह से जोड़ेंगे। ये फैब्रिक की सीधी साइड हमें यहाँ पर रखना है और ये लाइनिंग का पीस बैक साइड में, और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। इसे हमने सिलाई की। इसके बाद ये फैब्रिक हम इसे ऊपर की तरफ करेंगे और लाइनिंग ऐसे करना है और यहाँ पर हम टॉप स्टिच करेंगे और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई करना है और लाइनिंग और फैब्रिक साथ में जोड़ना है। इसे हमने दोनों साइड जॉइन किए हैं इस तरह से। इसके बाद हमें यहाँ से रनर डालना है। रनर डालने के बाद इसे हम फोल्ड करेंगे। इसे हमें मार्क करना है। ऊपर से हम 1/2 इंच इतनी स्पेस हम छोड़ेंगे। इसके बाद हमें 9 इंच के ये दो बेल्ट लिए हैं, इसमें से हम एक बेल्ट लेंगे। जब भी हम बेल्ट लेते हैं तो यहाँ पर हमें इसे दो साइड में लॉक करना है। और ये हमने डी रिंग ली है, इसको हम इस तरह से इसके अंदर डालेंगे। और यहाँ पर जो हमने यहाँ पर मार्क किया है वहाँ तक हम ऐसे रखेंगे और जितने बाकी का हम ऐसे फोल्ड करके अंदर की साइड में करेंगे। और ऐसे हमें सिलाई करना है। ऐसे हमने यहाँ पर
सिलाई करके जॉइन किया इस तरह से। ये जो मार्क किया था इसके सेंटर में हमें ये बेल्ट रखना है, इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। इसके बाद हमें 9 इंच बाय 9.5 इंच का ये दूसरा पीस एक अस्तर के साथ, ये 9 इंच की दूसरी जिपर और 9 इंच का ये बेल्ट डीरिंग, और ये इसी तरह से हमें जॉइन करना है। इस तरह से हम बेल्ट लगाएंगे। ये मैंने जिप अटैच की है और ये हमने सेंटर मार्क किया है। ये बेल्ट हम लेंगे, ये जो मार्क है इसके बीच में हमें ऐसे रखना है इस तरह से, और यहाँ से हम सिलाई करेंगे। ऐसे हम सिलाई करेंगे। इसके बाद ये दोनों के हमें ऐसे सेंटर में रखना है, और यहाँ पर आने के बाद ये रिंग हम इसके अंदर डालेंगे इस तरह से। ऐसे हम जितने ऊपर तक चाहिए उतने हम यहाँ पर रखेंगे, और इसके बाद हमें यहाँ से सिलाई करना है। टर्न करेंगे, यहाँ पर हम दो बार मशीन चलाएंगे, और इसके बाद हम इसे टर्न करके इस तरह से हमें ये बेल्ट जोड़ना है। ऐसे हमने ये दोनों पार्ट्स रेडी किए हैं इस तरह से। इसके बाद हम 9 इंच बाय 9.5 इंच का 1, 2, 3 लाइनिंग के पीसेस बचे हैं, उसमें से हम एक लेंगे। 9 इंच की वीड्थ है और 9.5 इंच हाइट है। तो जैसे हमें 2 इंच मार्क करके ये जिप जॉइन की है, ये जिप जॉइन की है, वैसे ही हमें ये 9 इंच की जिप हम यहाँ पर जोड़ेंगे। इसको भी यहाँ से हमने जिप जॉइन की और एक रनर डाला है। इसके बाद हम ये दोनों पीस में से हम एक पीस लेंगे, और ये 9 इंच बाय 9.5 इंच के 2 लाइनिंग के पीसेस हैं, उसमें से हमें एक लेना है, और इसके पीछे हम ये प्लेन लाइनिंग का पीस रखेंगे, और इसके बैक साइड में हम ये जिप अटैच किया हुआ लाइनिंग का पीस रखेंगे। जिप की साइड ऐसे ऊपर की तरफ रखना है इस तरह से हम रखेंगे, ये ऊपर की साइड में, और इसकी साइड ऐसे ऊपर की तरफ रहेगी, और ऐसे हम चारों साइड में हम सिलाई करेंगे। वैसे ये दूसरा पार्ट हम लेंगे, और ये 9 इंच बाय 9.5 इंच का दूसरा लाइनिंग का पीस हम इसके बैक साइड में रखेंगे, और चारों साइड से हम सिलाई करेंगे। ऐसे हमने ये दोनों पार्ट्स रेडी किए हैं। एक साइड में ये पॉकेट किया है, ऐसे ही आप इसके पीछे भी इस तरह का पॉकेट बना सकते हैं। तो ये दोनों पार्ट्स हमारे रेडी हो गए। इसके बाद हमें 7.5 इंच बाय 7 इंच का एक हम फैब्रिक का पीस लेंगे। इसकी हाइट है 7 इंच और इसकी वीड्थ है 7.5 इंच, और ये 7.5 इंच की एक जीपर और 8 इंच बाय 7.5 इंच का एक लाइनिंग का पीस हम लेंगे। पहले हमें ये 7.5 इंच की जीपर हम यहाँ पर जोड़ेंगे सीधी साइड, दोनों सीधी साइड एक के ऊपर एक रखेंगे, और यहाँ पर हमें सिलाई करना है। ये सिलाई होने के बाद हम इसे टर्न करेंगे, ये सिलाई पीछे बैक साइड में, और यहाँ पर हम टॉप स्टिच करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से रनर डालेंगे। रनर डालने के बाद 8 इंच बाय 7.5 इंच का ये लाइनिंग का पीस हम लेंगे। 8 इंच इसकी हाइट है और 7.5 इंच इसकी विड्थ है। ये सीधी साइड हम इसके ऊपर रखेंगे, और यहाँ पर हमें एक सिलाई करना है, और यहाँ पर एक सिलाई करेंगे। ऐसे हमने यहाँ पर और यहाँ पर सिलाई की है। इसके बाद हम यहाँ से ऐसे टर्न करेंगे,
तो हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पर हम टॉप स्टिच करेंगे और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई करना है और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई करना है। ऐसे हमें ये पॉकेट बनाना है। यहाँ पर हमने सिलाई की, यहाँ पर सिलाई की और ये ऊपर की साइड में सिलाई की इस तरह से, और ये हम बाद में करेंगे। इसके बाद हमें 36 इंचेस बाय 16 इंचेस का ये एक फैब्रिक का पीस हमें लेना है और एक लाइनिंग का पीस लेना है, और दोनों को हम इसे साथ में रखेंगे और चारों साइड से हम जोड़ देंगे। ये 36 इंचेस बाय 16 इंचेस का पीस है, इसके पीछे हमने लाइनिंग अटैच किया है। 36 इंचेस इसकी हाइट है और ये विड्थ है, तो हमें सेंटर मार्क करना है। ऐसे ऐसे हम फोल्ड करके सेंटर मार्क करेंगे। ये हमने सेंटर मार्क किया है और इसके बाद हमें दोनों साइड से इसे 4 इंच मार्क करना है। यहाँ से 4 इंच और यहाँ से 4 इंच मार्क करेंगे। ऐसे हमें दोनों साइड से ये गैप हमारी 8 इंच की होगी, 8 इंच की। यहाँ से हम ऊपर से 5 इंच मार्क करेंगे, 5 इंच हम मार्क करेंगे यहाँ से यहाँ तक। वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है और ऐसा ही मार्क हम ये साइड में करेंगे। यहाँ पर दोनों साइड में 5-5 इंच का हम मार्क करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से कॉर्नर से हम 7 इंच का, 7 इंच हम यहाँ कॉर्नर पर मार्क करेंगे। एक ही साइड में हमें करना है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर हम 7 इंच का मार्क करेंगे। और ये जो सेंटर मार्क किया है वहाँ से हम ये 7 इंच का मार्क यहाँ पर जोड़ेंगे। ऐसे हमें जोड़ना है और यहाँ से यहाँ पर हम जोड़ेंगे। इस तरह से हमें ये क्रॉस में जोड़ना है। ऐसे हमने क्रॉस में मार्किंग एक ही साइड में की है, इसके अपोजिट साइड में हमें यहाँ पर ये जो 5 इंच का हमने मार्क किया है, ये हमने जो 5 इंच का मार्क किया है, 5 इंच का मार्क किया है दोनों साइड में, वहाँ पर हम ये ऐसे पॉकेट रखेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर एक सिलाई करेंगे। इसे हमने यहाँ पर एक ही साइड में यहाँ पर जॉइन किया है। इसके बाद हम 92 इंचेस का बेल्ट लेंगे, इसको हमें ऐसे इस तरह से दोनों साइड में जॉइन करना है। इसे हमने जॉइन किया है। ये जॉइन करने के बाद हम इसे टर्न करेंगे इस तरह से, और ऐसे ही हमें यहाँ पर इसके अपोजिट साइड में मार्क करना है। इस तरह से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। इसके बाद ये सिलाई की साइड ऐसे अंदर की साइड में रहेगी और ये साइड हम यहाँ पर रखेंगे जो हमने सेंटर मार्क किया था, और ये 4 इंच का मार्क है, इसके अंदर हम यहाँ पर रखेंगे और पहले हम पिन से जोड़ेंगे। पहले हम ऐसे पिन से जोड़ेंगे। वैसे ही हमें ये जो अपोजिट साइड का जो मार्क किया था ये हमें यहाँ पर रखना है। और इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक जो हमने 5 इंच का मार्क किया था वहाँ तक हम इसे जोड़ेंगे। वैसे ही ये बेल्ट हमें यहाँ पर जो 5 इंच का मार्क है वहाँ तक हम जोड़ेंगे। ये मार्किंग के अंदर की साइड में हमें ऐसे बेल्ट रखना है। इस तरह से हम
ये दूसरी साइड को भी हम यहाँ पर जोड़ेंगे, जो हमने 5 इंच का मार्क किया था वहाँ तक हमें जोड़ना है, और ये भी हम यहाँ तक जोड़ेंगे। ऐसे हमने ये बेल्ट जॉइन किया है। ये बेल्ट आप बड़ा भी ले सकते हैं, और इसे ये बैग के लिए हमने ये रेनकोट WRPU फैब्रिक लिया है। ये बैग का ही मटेरियल है, लेकिन आप कोई भी पतला फैब्रिक लेकर ये बैग बना सकते हैं। ये बेल्ट जॉइन करने के बाद ये दो पॉकेट्स हो गई, यहाँ पर एक पॉकेट और यहाँ पर एक पॉकेट। ऐसे ही हमने ये यहाँ पर जॉइन किया है 5 इंच तक। के बाद हम ये 3.5 इंचेस बाय 2 इंचेस का एक फैब्रिक का पीस हम लेंगे। ये सीधी साइड है, हमें इस तरह से एक फोल्ड करना है, और ये साइड 3.5 इंचेस की है और ये 2 इंचेस की है। जो 3.5 इंचेस की साइड है इसके ऊपर हम इसे फोल्ड करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे। ऐसे हमें सेंटर से फोल्ड करना है, और यहाँ पर हम एक सिलाई करेंगे और यहाँ पर हम एक सिलाई करेंगे। ऐसे हमने दोनों साइड से सिलाई की। इसके बाद हम ये साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ से कट करेंगे, और ये हमें टर्न करके सीधी साइड करना है। ऐसे हमने ये टर्न किया है। इसके बाद हम 55 इंचेस की ये ज़ीपर हम लेंगे, और यहाँ से हमने इसे रनर डाला है, यहाँ से हमने रनर डाला है, और जहाँ से हमने रनर डाला है वहाँ पर हमें ये यहाँ से इसे अंदर डालना है इस तरह से। इसके बाद ये पार्ट हम लेंगे, ये हमने 7 इंचेस का मार्क किया है, 7 इंचेस का, और ये सेंटर मार्क है इसका भी। हम यहाँ पर ऐसे सेंटर हैं, ये हम यहाँ पर रखेंगे। ज़िप हमें ऐसे यहाँ तक अंदर डालना है, और ये हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ से हमें ऐसे चारों साइड से सिलाई करना है। ऐसे हमने ये बॉक्स यहाँ पर चारों साइड से सिलाई करके इस तरह से लॉक किया है। इसके बाद हम ये रनर ऐसे यहाँ तक रखेंगे, और ज़िप हमें इसे सेपरेट करना है, और जो हमने ये मार्क किया है क्रॉस में यहाँ पर हम ऐसे रखेंगे जो हमने मार्क किया है, और इसके बाद हमें यहाँ से इस तरह से सिलाई करना है। ऐसे हम जो मार्क है वैसे ही हम उसके ऊपर सिलाई करेंगे। ज़िप हमें ऐसे सेपरेट करना है। ये बेल्ट के ऊपर से हम ज़िप लेंगे, और ये हमने जो 7 इंचेस का मार्क किया था वहाँ से हमें ऐसे टर्न करना है। ऐसे हम टर्न करेंगे, और यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था वैसे ही हमें यहाँ पर दूसरी साइड से इसे सिलाई करना है इस तरह से। हम ये साइड हम इसे लॉक करके जो हमने मार्क किया था ऐसे हम सिलाई करेंगे। ये जो 7 इंचेस का मार्क है वहाँ से हमें इसे टर्न करना है। और यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। यहाँ तक ज़िप जॉइन करके हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद हमें 16 इंचेस की एक ज़िपर हम लेंगे, और इसको हमें ऐसे जोड़ना है।
ये सिलाई होने के बाद हम ये सिलाई इसे अंदर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर हमें इसे टॉप स्टिच करना है। टॉप स्टिच होने के बाद ये दूसरी साइड हम यहाँ पर जोड़ेंगे, इसे हमें सिलाई करना है। सिलाई होने के बाद हम ये सेपरेट करेंगे और यहाँ पर हम टॉप स्टिच करेंगे इस तरह से। ये टॉप स्टिच होने के बाद दोनों साइड से एक एक रनर डाला है और इसके बाद हम ये साइड इसे लॉक करेंगे और यहाँ पर भी हमें लॉक करना है। इसे हमने दोनों साइड से लॉक किया है। इसके बाद हम ये जिप हमने यहाँ तक छोड़ दी थी, तो ऐसे हम आगे सिलाई करेंगे। ऐसे हमें पूरे राउंड में सिलाई करने के बाद ये हमने क्रॉस में यहाँ से ली थी वहाँ तक हमें आना है और ये दोनों को ऐसे हम साथ में रखेंगे और ये जीप हम ऐसे बाहर निकालेंगे। ऐसे हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। एक साइड हमने यहाँ तक जॉइन की है जहाँ से हमने ये साइड कॉर्नर से ली है वहाँ तक हमें जोड़ना है। अगर आप मशीन में उल्टी साइड में अगर आप डाल सकते हैं तो आप यहाँ से ऐसे सिल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको क्लिप से जोड़ना है। इस तरह से हम क्लिप से जोड़ेंगे। ऐसे हमने यहाँ तक क्लिप से जॉइन किया। इसके बाद यहाँ से हमने ये 7 इंच का मार्क था, यहाँ पर ये 7 इंच का मार्क था। इसके ऊपर हमने 1 या 1.5 इंच तक हमने ये ऊपर तक लिया है, वैसे ही हमें यहाँ से इतना 1 या 1.5 इंच तक ऊपर लेके जो एक्स्ट्रा जीप है वो हमें ऐसे बाहर करना है। इसे हम क्लिप लगाएंगे, बाहर करेंगे और ऐसे हम यहाँ से मशीन में सिलाई करेंगे यहाँ तक। ये हमने इतनी एक्स्ट्रा जीप हमने कट किया है। यहाँ से हमने रनर डाला था क्योंकि हमें दोनों साइज एक जैसे हमने ये कट किए हैं। इसके बाद हम ऐसे यहाँ से हम ऐसे सिलाई करेंगे यहाँ तक। इसे हमने यहाँ पर सिलाई की है। इसके बाद यहाँ पर हमें ऐसे हाथ में रखना है और यहाँ पर हम सेंटर मार्क करेंगे। इसे सेंटर मार्क करेंगे और ऐसे ही हमें यहाँ पर इसे हाथ में रखना है। यहाँ हम सेंटर मार्क करेंगे और ऐसे ही हमें ये जो दो पार्ट्स है इसके ऊपर भी हमें ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर और यहाँ पर सेंटर मार्क करना है दोनों के ऊपर। ये ऐसे दोनों साइड से मार्क किया है। यहाँ पर बेल्ट जॉइन किया था इसके लिए चॉक से मार्क किया है, ऊपर से हमने कटिंग किया। इसके बाद हम ये टर्न करेंगे, उल्टी साइड में करेंगे और इसके बाद हमें इसमें से एक पार्ट लेना है जो जिप का सेंटर है वहाँ पर हम ये सेंटर रखेंगे। पहले हम चाहे तो क्लिप से जोड़ सकते हैं और ये जो सेंटर मार्क है उसके ऊपर ये मार्क हम रखेंगे और चारों साइड से ऐसे राउंड में क्लिप से जोड़ेंगे। इसे हमने एक साइड क्लिप से जॉइन की है, इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे और ये दूसरा पार्ट हमें
यहाँ पर जोड़ना है। मशीन हम धीरे से चलाएंगे क्योंकि यहाँ पर जिप है, तो हमें धीरे से मशीन चलाना है। और ये साइड की जो ये जिप हमने बाहर निकाली थी, इसको हम ऐसे रखेंगे और ये हमें इसे बाहर रखना है। ऐसे हमने दोनों इसे साइड जॉइन किए हैं। इसके बाद हम एक बार इसे सीधा करके देखेंगे कि ये सही तरीके से जॉइंट हुआ है कि नहीं, और बाद में हम इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। इसे हमें बंद करना है और इसके बाद हम ये हमने जो जिप जॉइन की थी वहाँ से हमें इसे बंद करना है। इसे बैग अंदर डालेंगे। से हमें इसको लॉक करना है। इस तरह से इसे हम लॉक होने के बाद एक बार ओपन करेंगे। इस तरह से, और ये साइड हम जो सिलाई की साइड है वो हम ऐसे पाइपिंग से लॉक भी कर सकते हैं। इस तरह से ऐसे हम पूरे पाइपिंग करके लॉक करेंगे। इसके बाद हम बेल्ट बनाएंगे 10 इंचेस बाय 3 इंचेस के। ये दो फैब्रिक के पीसेस लिए हैं, इसमें से हम एक लेंगे। इसको हमें ऐसे सेंटर मार्क करना है और यहाँ पर हम इसे फोल्ड करके सेंटर मार्क करेंगे। इसके बाद हम 50 इंचेस का एक बेल्ट लेंगे, लेकिन ये बेल्ट 1 इंच का है, तो हमें यहाँ पर ये 1 इंच और 1.5 इंच सिलाई में रखना है। इसके लिए हम 1.5 इंच लेंगे। इसे हम 1.5 इंच मार्क करेंगे, 1.5 इंच, और ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है। दोनों साइड में मार्क किया, इसके बाद ये जो मार्क हैं ये हम यहाँ पर जोड़ेंगे और ये हम यहाँ पर जोड़ेंगे। वैसे ही हमें ये यहाँ पर जोड़ना है और इसको हम यहाँ पर जोड़ना है, और ये हम ऐसे साइड का कटिंग करेंगे। ऐसे हमने कटिंग किया है। इसके बाद हम ये एक फोम लेंगे। ये हमने जो शर्ट में आता है वो हमने लिया है और इसको हमने इसके ऊपर रखा है और इसको मार्क किया है। ये मार्किंग के ऊपर हम इसे कट करेंगे। ये दोनों सेम मार्किंग में हैं, तो हमें इतना सिलाई में जाएगा 1.5 इंच, और यहाँ से 1 इंच जितना हम इसे कट करेंगे, यहाँ पर 1 इंच, यहाँ पर 1 इंच, और यहाँ पर 1 इंच, और ये हम इसके ऊपर जितना हम सिलाई में लेंगे उतना हमें ऐसे ये ऐसे कटिंग करना है। ऐसे हम इसके ऊपर कटिंग करेंगे। इसे हमने इसके अंदर की साइड से इसे कटिंग किया है। इसके बाद हम दूसरा पार्ट लेंगे, और ये सीधी साइड और ये सीधी साइड हम एक के ऊपर एक रखेंगे, और जो हमने शेप दिया है इसके ऊपर हमें ऐसे सिलाई करना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये सिलाई हमने की है। सिलाई होने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हैं वो हम जैसे हमने पहले शेप दिया था उसी के जैसा हमें कट करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग होने के बाद यहाँ से हम इसे अंदर की तरफ करेंगे,
इस तरह से, और ये हमें इसे उल्टा करना है। इसी तरह से हमें ये टर्न करके यहाँ से हमें बाहर निकालना है और सीधी साइड करना है। ये सीधी साइड करने के बाद ये पार्ट हम ऐसे फोल्ड करके इसके अंदर यहाँ से डालेंगे, यहाँ से हम इसके अंदर डालेंगे। इसे हमने अंदर डाला है और यहाँ पर हमने सेंटर मार्क किया है और दोनों साइड से एक एक इंच का ये स्पेस है इसके अंदर, ये यहाँ से यहाँ तक ये फोम है। इसके बाद हम सेंटर मार्क करेंगे और 50 इंचेस का हम बेल्ट लेंगे और ये बेल्ट के ऊपर हमें इसे फोल्ड करके सेंटर मार्क करना है। ऐसे हम फोल्ड करके सेंटर मार्क करेंगे और इसके बाद हमें ये जो मार्क है और यहाँ तक हम एक इस तरह का मार्क करेंगे, वैसे ही हमें यहाँ पर एक मार्क करना है। दोनों साइड में हम सेम डिस्टेंस पे मार्क करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से बेल्ट इस तरह से फोल्ड करके इसके अंदर डालेंगे। यहाँ से बाहर निकालेंगे। ये जो मार्क है और ये मार्क, दोनों को हमें से साथ में रखना है और इसके बाद हम यहाँ तक आने के बाद हम इसे अंदर के साइड में ये फैब्रिक फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। वैसे ही हमें यहाँ पर इसे अंदर की साइड में फोल्ड करना है और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। इसे हमने यहाँ पर सिलाई की है और यहाँ पर सिलाई की है, तो ये बेल्ट एकदम अच्छी तरह से जॉइंट हो गया। इसके बाद हम इसे हम दो एडजस्टर लेंगे और इधर दो हुक हमें इस तरह से रखना है बेल्ट। इसमें ये एडजस्टर हम इस तरह से डालेंगे, यहाँ से बाहर निकालेंगे और इसके बाद इसमें हमें डालना है इस तरह से, और ये एडजस्टर के बीच में से हमें निकालना है। ऐसे हम ऊपर से डाल के यहाँ से हम बाहर निकालेंगे और एक फोल्ड करके हमें यहाँ पर ऐसे रखना है और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। ऐसे हमने सिलाई की है, इसी तरह से हमें ये पार्ट यहाँ पर जोड़ना है। ऐसे हमने ये दोनों साइड जॉइन किए हैं। ऐसे हम बेल्ट ये छोटा बड़ा दोनों साइड से कर सकते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और ये बेल्ट हम यहाँ पर जोड़ेंगे जो हमने इस यहाँ पर ये रिंग जॉइन की थी, यहाँ पर हमें ऐसे जोड़ना है और ये साइड हम यहाँ पर जोड़ेंगे। जब भी हमें बेल्ट नहीं चाहिए तभी हम इसे निकाल के रख सकते हैं। इसे फोल्ड करके हम इसके अंदर रखेंगे। तो ये हमारी बैग कंप्लीट हो गई। अंदर की साइड में इतनी बड़ी स्पेस है और साइड में एक ही पॉकेट है। यहाँ से हम बंद करेंगे। यहाँ पर एक पॉकेट, इसमें हमने ये बेल्ट रखा है। यहाँ पर एक पॉकेट और इसके फ्रंट साइड में दो पॉकेट्स है, एक सिंपल पॉकेट है और एक जीप का पॉकेट। इसके बाद हम यहाँ से बंद करेंगे। इसे हमें बंद करना है। इस साइड हम इसे अंदर की तरफ रखेंगे और ये जीप हम यहाँ से लॉक करेंगे।
इससे ये बैग हमारी कंप्लीट हो गई।